खबर राजधानी के पावटा से है, जहां कुछ बदमाश मुख्य बस स्टैंड स्थित द जयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के एटीएम को उखाड़ कर ही ले गए। बताया गया कि एटीएम में करीब 5 लाख रुपए की राशि जमा थी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। बदमाश इतने बेखौफ है कि राजधानी के पास में पावटा में कोऑपरेटिव बैंक का एटीएम ही उखाड़ कर ले गए, जिसमें पुलिस सूत्रों के मुताबिक जानकारी प्राप्त हुई है कि 5 लाख रुपए कैश एटीएम में मौजूद थे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से एटीएम मशीन को एटीएम से उखाड़ कर चोर ले गए। जयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का ये एटीएम था, जहां चोरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया।